हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के एक बहुत ही खास जिले, और खास नहीं खासम खास जिले के बारे में, जिसका नाम है पूर्वी सिंहभूम। तो आपको यहाँ पे झारखंड के मैप में पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट किया हुआ है वो पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है। इंटरेस्टिंग बात ये कि इसके पड़ोसी या इसको टच करने वाला एकमात्र जिला है, और वो कौन सा है? सरायकेला खरसावा। यहाँ पे देखिए, सरायकेला खरसावा ही एकमात्र ऐसा जिला है जो कि इसको टच करता है। राज्य दो ऐसे राज्य, एक तो वेस्ट बंगाल और दूसरा उड़ीसा। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। और ये जो आपका पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन से प्रमंडल में आता है? तो ये आता है प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत। कोल्हान प्रमंडल कहाँ से कहाँ तक है ये देखिए आप बाउंड्री। तो ये हो जाता है आपके पास कोल्हान प्रमंडल का बाउंड्री, ठीक है। इसमें कितने जिले हैं? इसमें तीन जिले हैं। कौन कौन से? आपका ये पूर्वी सिंहभूम, इधर में पश्चिमी सिंहभूम, और ये सरायकेला खरसावा। मुख्यालय के बारे में बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय जो होता है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है चाईबासा में। क्लियर हो गया बात? ठीक। तो आप समझिए कि इन्हीं इसी जिले के बारे में जानने वाले हैं, और ये बहुत ही खास जिला है। क्यों खास है देखेंगे हम लोग। क्लियर? ठीक। इस पूरे प्रमंडल में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो 6 अनुमंडल और 32 प्रखंड आते हैं। 6 अनुमंडल और 32 प्रखंड आते हैं। इस पूर्वी सिंहभूम को लैंड ऑफ लायन भी कहते हैं, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं? लैंड ऑफ लायन भी कहते हैं। लैंड ऑफ लायन इसका अर्थ भी है, ठीक है। और भी इसके रिलेटेड डिस्कशन करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। क्वेश्चंस को करते जाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करते जाएंगे। क्लियर? मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो ये कि पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना कब हुई? तो पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना हुई है 16 जनवरी 1990 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया बात? दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय स्थित है जमशेदपुर में, जिसे टाटा भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? टाटा भी कहते हैं। और जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं, ठीक है। जमशेदपुर को क्या कहते हैं? भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं। और स्वर्ण रेखा के किनारे ये स्थित है। कौन? जमशेदपुर। अच्छा, इसे आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, ठीक है। झारखंड की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। क्लियर हो गया बात? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। पूर्वी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल है 3533 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अनुमंडल कितने हैं? तो 2 अनुमंडल है। अच्छा, कौन कौन से 2 अनुमंडल है? ढालभूम और घाटशिला। ढालभूम और घाटशिला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जिला निर्माण के समय पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने प्रखंड थे? तो जब जिला बन रहा था उस समय थे 9, अभी कितने हैं? 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान समय में पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने प्रखंड है? तो 11 है। जब जिला बन रहा था उस समय कितने थे? 9 थे। क्लियर हो गया बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी सिंहभूम जिले की कुल आबादी कितनी है? पूर्वी सिंहभूम जिले की कुल आबादी कितनी है? तो लगभग लगभग 23 लाख है। एग्जैक्ट फिगर के बारे में अगर बात कर लें तो 22,93,919। तो ये हो जाएगा आपके पास एग्जैक्ट फिगर। अगर साक्षरता दर के बारे में बात करें तो 75.49, 75.49%, और जनसंख्या घनत्व तो 644। फिर से हम लोग जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं हर एक जिले में कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो धनबाद का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो चतरा का, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रांची का, और सबसे कम साक्षरता दर किसका? पाकुड़ का, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूम जिले का लिंग अनुपात कितना है? ठीक है, तो लिंग अनुपात जो है वो 949 है। 949 है, 949 है। अच्छा, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जो है किस जिले का है? तो आप समझिए, पश्चिमी सिंहभूम का सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम किसका है? धनबाद का। धनबाद का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा, और लिंग अनुपात सबसे खराब, सबसे घटिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा पूर्वी सिंहभूम जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो फिर से यहाँ पे न हो है, न संथाल है, न मुंडा है, तो हमको उपर्युक्त सभी पे ही आना पड़ेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या जादूगोड़ा स्थित यूरेनियम की खान किस जिले में स्थित है?
सबसे पहला बात तो आपको याद रखना है कि झारखंड में यूरेनियम की खान कहाँ पाई जाती है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट भी दिया जा सकता है या नाम भी दिया जा सकता है, तो जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो जादूगोड़ा स्थित है पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाटा स्टील प्लांट, जुबली पार्क एवं किनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ये तीनों के तीनों, टाटा स्टील प्लांट भी जमशेदपुर, जुबली पार्क भी जमशेदपुर, और किनन स्टेडियम क्यों फेमस है? क्रिकेट के लिए। तो किनन स्टेडियम जमशेदपुर में ही स्थित है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1949 में सोसाइटी ऑफ जीजस द्वारा एक्सेलराई किस शहर में स्थित है? अच्छा, एक्सेलराई जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। अच्छा, सोसाइटी ऑफ जीजस, ये एक्सेलराई जो है वो मैनेजमेंट का कॉलेज है, ठीक है? सोसाइटी ऑफ जीजस जो इनका क्रिश्चियंस का सोसाइटी होता है, इसके तहत एक और मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत फेमस है, कौन सा? XISS। कहाँ पे है ये? रांची में, सेंट जेवियर्स कॉलेज के जस्ट बगल में, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज। तो रांची में XISS और जमशेदपुर में XLRI। XLRI बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, भारत का पिट्सबर्ग एवं इस्पात नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग एवं इस्पात के नगरी के नाम से हमारा जमशेदपुर जाना जाता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि झारखंड में एकमात्र NIT कहाँ स्थित है, तो वो भी जमशेदपुर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में ही स्थित है, ठीक, याद रखिएगा, NIT। इसके साथ साथ जमशेदपुर में MGM, मतलब पूर्वी सिंहभूम में MGM मेडिकल कॉलेज, RBS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं उद्योग की वहाँ की, तो टाटा स्टील जो है, टिस्को, टाटा मोटर्स, लाफार्ज, यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और राखा कॉपर जो कि राखा में स्थित है, ये सारे उद्योग वहीं पे हैं। कौन कौन से कहा हमने? हमने बताया आपको टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, लाफार्ज जो कि गोविंदपुर में है, यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि जादूगोड़ा में स्थित है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि घाटशिला में स्थित है, और राखा कॉपर जो कि राखा में स्थित है। तो इतने सारे उद्योग हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुरमडीह में, मतलब पूर्वी सिंहभूम के तुरमडीह में सोने की खान पाई जाती है, पूर्वी सिंहभूम के तुरमडीह में सोने की खान पाई जाती है, ठीक है? और अगर हम लोग तो इतना ही था आज का, जो हमारा पूर्वी सिंहभूम के बारे में जो डिस्कशन करना था, इतने सारे क्वेश्चंस बने इससे, ठीक है? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जिले को लेकर के, ठीक है? वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।